students. This lecture of general science is recorded by Sarhad Education System for class 7. This is your general science book. Open your book. So open page number 3. Our first unit is human organ system, insani nizam-e-aza. इस चैप्टर में हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान के अंदर जो है वो कितने ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करते हैं. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जो कि मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. इसी तरह वो ऑर्गन्स जो कि फंक्शन में सेम हों या एक दूसरे की हेल्प करें, तो वो ऑर्गन्स मिलकर जब काम करते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. सो ऑर्गन सिस्टम मेक अ कंप्लीट एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक कंप्लीट फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बनाता है. ऑर्गेनिज्म में हमारे साथ आ जाते हैं ह्यूमन, रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स. डिफरेंट जो है वो एनिमल्स भी होते हैं, उनके अंदर भी प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है. तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि देयर आर 11 मेजर सिस्टम इन आवर बॉडी. द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट जस्ट टू सिस्टम्स, डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम. Human digestive system is an organ system designed uniquely to convert the food we eat into the nutrients. Human digestive system एक ऐसा system है जिसमें हमारा food जो है वो convert हो जाता है smaller pieces में और ये इनमें से nutrients जो है वो extract होकर आपके blood में शामिल हो जाते हैं. So basically जो है ये system हमारे food को digest करने में help करता है. So ये nutrients जो हैं वो हमारी energy और growth में हेल्पफुल होते हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट जो है वो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फूड. फूड जो है वो इंटर होता है माउथ से. सो माउथ इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड इंटर इन द माउथ पासिस इन साइड द बॉडी थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. सो जिस प्रोसेस से जो है वो फूड पास होता है और डाइजेस्ट होता है, जो एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. तो फूड जो है वो सबसे पहले माउथ से इंटर होता है और वहाँ से पास होता हुआ स्टमक में जाता है और फर्दर डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सक्रीट हो जाते हैं. द एलिमेंट्री कैनाल इज कंपोज्ड ऑफ माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, टंग, टीथ, थ्रोट, फैरिंग, ऑसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस. दीज आर द ऑर्गन्स विच आर हेल्पफुल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इन सब ऑर्गन्स का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट माउथ. माउथ इज आल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी. सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज माउथ, वेयर फिजिकल डाइजेशन बिगिंस. यहाँ पर फिजिकली हमारा फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है. जैसे हमारे माउथ के अंदर जो है वो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं जो उसको चबाने में और फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. इसी तरह टंग होती है. टंग जो है वो आपके फूड को होल्ड करती है, पकड़ती है. टंग में जो है वो स्पेशल टाइप के डाइजेशन मटीरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सो द टंग ऑल्सो हेल्प टू पुश द फूड टूवर्ड्स द थ्रोट फॉर स्वेलिंग. सो फर्दर डाइजेशन के लिए टंग जो है वो फूड को निकलने में भी हेल्प करती है. सेल्वा ऑल्सो मिक्सिस विद द फूड टू मॉइस्टन इट एंड बिगिन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ. इसी तरह से हमारे जो माउथ है उसमें सेल्वा भी मौजूद होती है. सेल्वा का क्या काम होता है कि ये आपकी फूड को मॉइस्ट करती है, नम करती है, ताकि उसकी फर्दर डाइजेशन हो सके. और माउथ में जो सबसे पहला जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है जो डाइजेस्ट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट. द बॉडी आल्सो यूजेस सेलिवा टू लुब्रिकेट फूड एज इट पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. दिस विल चेंज द फूड इनटू अ फॉर्म दैट अवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज. सेलिवा हमारे फूड को लुब्रिकेट करती है ताकि वो इजीली एलिमेंट्री कैनाल से पास हो सके और हमारा फूड जो है वो फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होकर हमारी बॉडी में इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके.
The next part is throat. Throat is also called pharynx. The next destination for the food is pharynx. Food travels from here is shifted to the esophagus. Esophagus जो है वो हमारे पास swallowing tube है. Further food esophagus में पास होगा. तो throat में इसकी जो है वो special type के tissues present होते हैं, जिसको कहते हैं हम flap of tissues that act as an opening to root the food into the esophagus. Flap of tissues जो है वो हमारे पास एक ओपनिंग की तरह काम करते हैं, जो फूड को ऑसोफेगस में पास करने के लिए हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज ऑसोफेगस. फूड जो है वो थ्रॉट से ऑसोफेगस में जाता है एक ट्यूब के जरिए, जिसको हम कहते हैं ऑसोफेगस एंड एक्सटेंड टू द स्टमक. ये जो ट्यूब है वो स्टमक तक एक्सटेंड होती है, फैली होती है. देयर इज पेरिस्टाइलिसिस, सीरीज ऑफ कंट्रैक्शंस इन द ऑसोफेगस दैट पुशेस बोलस टू द स्टमक. यहाँ पर पेरिस्टाइलिसिस होती है. पेरिस्टाइलिसिस जो है वो वेव लाइक मोशन होती है फूड की, जहाँ पर जो है जिसकी वजह से फूड जो है वो स्टमक तक पहुँच जाता है. तो ऑसोफेगस कंट्रैक्ट करता है और जो हमारा बोलस होता है, फूड होता है, वो स्टमक में पहुंच जाता है. द नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक. स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन दैट हैज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स. फूड जो है वो स्टमक में जाता है. स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर मस्कुलर वॉल्स लगी होती हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. So it secretes the hydrochloric acid, gastric juice and powerful enzymes that is pepsin in an inactive form of pepsinogen that helps in continuing the breaking down of food. Stomach के अंदर कुछ खास किस्म के secretions मौजूद होती हैं जो आपके food को digest करती हैं. Hydrochloric acid और different gastric juice जो है वो produce करता है, उसमें enzymes होते हैं और ये enzymes food को further break down करते हैं. So the food now has been changed in the form of liquid paste ready to leave the stomach. यहाँ पर food जो है वो बिल्कुल liquid form में हो जाता है, ताकि stomach को छोड़कर अपने next destination की तरफ move कर सके. So the next destination of food is small intestine, जिसको आप छोटी आंत भी कहते हैं. It is loosely coiled long tube present in the abdomen. Its length is about 20 feet. Two purposes are served here. First, food is broken down by using digestive enzymes, and by second, useful nutrients are absorbed here. यहाँ पर जो small intestine है, उसकी जो length है वो 20 feet तक है, और इसके दो purposes होते हैं, दो main functions होते हैं. First तो ये कि digestive enzymes को use करके food को break down करें, और second जो है जो फूड बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन न्यूट्रंट्स को एब्जॉर्ब कर सके ब्लड के अंदर. तो पेरिस्टाइलिसिस आल्सो हेल्प्स टू कैरी द फूड इन द ऑर्गन. यहाँ पर अगेन पेरिस्टाइलिसिस होती है, फूड की वेव लाइक मोशन होती है, ताकि फूड जो है वो नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ मूव कर सके. देयर आर थ्री पार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जियोजियम एंड इलियम. तो इंटेस्टाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ड्यूडेनम, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. इसका भी वही काम है कि ये फूड को ब्रेक डाउन करता है. जियोजियम एंड इलियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जियोजियम और इलियम जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, जस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो है वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं. The next part is large intestine. अब absorption के बाद जो unwanted material होता है वो large intestine में transfer हो जाता है, जिसको हम colon भी कहते हैं. So the remaining food which has now become stool is transferred to the large intestine. Large intestine जो है वो 5 to 6 feet long होती है और एक muscular tube है. First part जो large intestine का है उसको हम caecum कहते हैं, and the last part is rectum. Diagram में भी show किया हुआ है. First is caecum. ये फुल एक कॉलोन का स्ट्रक्चर है, एंड द लास्ट पार्ट इज रेक्टम. सो द पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ स्टूल इनटू एंड आउट ऑफ द कॉलोन. यहाँ पर अगेन वेव लाइक मूवमेंट होती है, ताकि जो अनवांटेड मटेरियल है वो स्टूल की फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए. सो स्टूल जो है
फर्स्ट सबसे पहले जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन सॉलिड फॉर्म. द वाटर इज टोटली रिमूव फ्रॉम द स्टूल हेयर. द स्टूल इटसेल्फ इज मोस्टली द फूड रिमेन्स एंड बैक्टीरिया. जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें यूजुअली वाटर होता है और अनवॉन्टेड फूड होता है और बैक्टीरिया होता है. सो इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और उसके बाद जो है वो फर्दर एक्सक्रीट हो जाता है, आपकी बॉडी से अनवॉन्टेड मटीरियल निकल जाता है. सो इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 36 आवर्स टू गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो फूड अनवॉन्टेड फूड को निकलने के लिए 36 आवर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं. 36 आवर्स के बाद आपका अनवॉन्टेड मटीरियल जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है. तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को 2 to 3 टाइम्स लेक्चर रिपीट करवाए ताकि वो इजीली समझ सके. शुक्रिया.